नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खैर लांजी। जनसंपर्क कार्यालय में हर 15 दिन में लगेगा जनता दरबार। खनिज विकास निगम अध्यक्ष व विधायक प्रदीप जायसवाल ने सुनी जनता की समस्या। अधिकारियों को दिए व्यवस्था बनाने के आवश्यक निर्देश। सरपंचों ने रखी रेत के रॉयल्टी की समस्या। मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम के अध्यक्ष व विधायक प्रदीप जायसवाल ने शुक्रवार 9 अक्टूबर को खैरलांजी का आकस्मिक दौरा कर जनसंपर्क कार्यालय में जनता की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को व्यवस्था बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही उच्च स्तरीय समस्याओं को शीघ्र ही जिला कलेक्टर और जिला सीईओ के समक्ष रखने की बात कही, जिससे कि आ रही समस्याओं को दूर किया जा सके। इस दौरान सरपंच संघ ने भी ज्ञापन के माध्यम से ग्राम पंचायतों के अंतर निर्माण कार्य करने के लिए आ रही रेत की समस्या में रॉयल्टी ना लेते सहित 3 वर्षों से मानदेय के नहीं मिलने की समस्या रखी गई। इसी प्रकार युवाओं द्वारा निर्माणाधीन विभिन्न निर्माण कार्यों में बाहर से आए ठेकेदार द्वारा स्थानीय लोगों को ही रोजगार देने सहित अन्य मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। आज आपके द्वारा तहसील मुख्यालय खैरलांजी में आकस्मिक दौरा किया गया, कुछ ग्रामीणों के द्वारा कुछ समस्या बताई गई, उसको क्या समस्या बताएगी सर? आज खैरलांजी में जैसे आप लोग जानते हैं कि बाजार भरता है यहाँ पर, और बाजार होने के नाते सारे ग्रामीण हमारे सरपंच साथीगण जनप्रति सभी लोग आते हैं मुख्यालय पर। तो आज सभी से मुलाकात हुई है, सबकी अपनी अपनी समस्याएँ थी पंचायत की, और कुछ पॉलिसी मैटर था खासकर रेत के मामले में। पंचायत में जो काम चल रहा है उसमें रेत की रॉयल्टी के चलते उनको दिक्कत आ रही है जी, क्योंकि उनके एस्टीमेट में रॉयल्टी का कहीं प्रावधान नहीं है। तो उसके लिए मैंने इनको आश्वस्त किया कि कलेक्टर के माध्यम से, चूँकि हमने जो पॉलिसी बनाए हैं उसमें साफ साफ हमने प्रावधान किया हुआ है कि पंचायत जिस काम की एजेंसी रही थी उनको रॉयल्टी नहीं लगी। तो रॉयल्टी लेके रेत लेके काम कर सकते हैं वो, काम खत्म होने के बाद जो है जितनी भी रेत उसमें जितनी क्वांटिटी लगी है उस क्वांटिटी का रॉयल्टी जो सरपंच ने पेड किया ठेकेदार से, वो रॉयल्टी सरपंच के खाते में वापस आई। ये प्रावधान है तो उसको, लेकिन किस तरह से क्रियान्वयन करना है उसको कलेक्टर के माध्यम से मैं प्रयास करूँगा कि हमारे सरपंच को रॉयल्टी का भार ना पड़े काम में, क्योंकि उसमें एस्टीमेट में भी रॉयल्टी का कहीं प्रावधान नहीं। तीसरा और क्या मुद्दा है, हमारे जितने सरपंच साथी हैं उनको 3 साल से मानदेय नहीं मिला है, तो ये भी मैं कलेक्टर जिला पंचायत सीईओ के संज्ञान में लाकर प्रयास करेंगे कि हमारे सरपंच साथियों का जितना भी मानदेय बनता है वो मानदेय यथाशीघ्र उनको दिया जाए। तीसरा मुद्दा ये है कि हमारे जितने युवा साथियों ने मुझे ज्ञापन दिया है कि यहाँ पर जो भी काम हो, बड़े काम छोटे काम, बाहर के ठेकेदार आते हैं, रेत के ठेकेदार आते हैं, तो स्थानीय लोगों को काम मिलना चाहिए, बाहर के लोगों को यहाँ पर काम नहीं मिलना चाहिए। तो ये मुद्दा भी जनहित में बहुत सही मुद्दा, सही बात है, इसका भी मैं समर्थन करता हूँ, और हम इस बात का निर्देश करेंगे ठेकेदार को भी और जिला प्रशासन के माध्यम से भी, यहाँ पर स्थानीय लोगों को काम मिले ना कि बाहर के लोग। तो 3 मुद्दे पर खास बात हुई। इसके अलावा हमारे जितने प्रधानमंत्री आवास या अन्य मुद्दों पर जितनी चर्चा हुई, तो यथासंभव हमने तहसीलदार को भी निर्देशित कर दिया है और सीओ जिला पंचायत को भी निर्देशित कर दिया है। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हमने किया है और प्रति इस तरह से सारी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया। सर, यहाँ पे देखा गया कि कुछ जैसे जिन लोगों का नाम सूची में है और उन लोगों का मकान नहीं है, तो उस जैसे अभी उनका रहने के लिए मकान नहीं है सर, और आगे में नाम है, तो उस बारे में कुछ समस्या का निदान? इसमें हमने पिछली बार कलेक्टर से बात की थी 15 दिन पहले, और ख़ासकर बाढ़ग्रस्त में जिन लोगों का मकान पूर्णतः गिर चुका है ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री आवास में वरीयता में प्राथमिकता जो क्रम है बदला जाए, लेकिन ये इसकी अनुमति हमको शासन से लेना पड़ेगा, क्योंकि इतने इतने सारे लोग हैं, इतनी बड़ी बड़ी पंचायतें हैं, कोई ना कोई बिना पॉलिसी के काम संभव नहीं है। तो अगर इसमें हमको सरकार से अनुमति मिल जाती है तो ऐसे जो लोग जिनका बाढ़ में पूरा मकान गिर गया है उनकी प्राथमिकता में परिवर्तन करके उनको लाभ दिया जा सके, ये शासन से अनुमति के लिए गया हुआ है। खबर समय जगत के लिए खैरलांजी से कृष्णा बहेटवार की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.